अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दिलनवाज, आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी। उम्मीद करता हूं तमाम बाप बाखैरियत होंगे। नाजरीन, वीडियो लेके आया हूं खासकर जो सऊदीया से लोग पाकिस्तान वापस आना चाह रहे हैं उनके लिए, इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है और उनके कोरोना टेस्ट के बारे में क्या मुकम्मल मालूमात है। जी नाजरीन, वीडियो शुरू करता हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अपने देखने वाले प्यारे प्यारे नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि अक्सर लोग नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में मौजूद घंटी का बटन दबा दें, ताकि इसके बाद भी इन्फॉर्मेशन के मुतालिक हमारी आने वाली वीडियो बजरिया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमारी फ्राम की गई मालूमात की वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होता रहे। शुक्रिया, जजाक अल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नाजरीन, अभी वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सऊदीया से अगर आपने पाकिस्तान आना हो उसके लिए तो अभी टिकट जो है टिकट अवेलेबल है और डायरेक्ट फ्लाइट आप पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट का आपको टिकट इस वक्त महंगा मिलेगा और उसका फायदा यह होगा कि आपको अपना कोविड का टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। नाजरीन, और अगर टिकट की बात करते चले, अगर आप वाया टिकट लेते हैं, वाया टिकट तो आपको सस्ता हो जाएगा, लेकिन जिस मुल्क के लिए आप जा रहे हैं हो सकता है उसके लिए आपको कोविड का टेस्ट लाजमी करवाना पड़े, और अगर सऊदीया में प्राइवेट टेस्ट करवाएं तो उसकी फीस 800 से लेकर 1200-1300 रियाल तक है, यानी 40,000 से लेकर 60,000-70,000 तक मुख्तलिफ प्राइवेट लैब ये टेस्ट कर रही है। नजरीन, आपको इन्फॉर्मेशन यही है कि अगर आप वापस आना चाहते हैं तो कोशिश करें कि डायरेक्ट फ्लाइट लें, ताकि आपके लिए कोई टेंशन ना बने और पाकिस्तान से जाते हुए जो कोविड का टेस्ट है उसके वक्त में भी कमी कर दी गई है। वो क्या कमी की गई है डिस्कस करूंगा आज की अपनी अगली वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अपने नाजरीन को ये कहूंगा कि मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकें। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।